हेलो गाइस, अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रशिया मॉस्को में हूँ। आज है डे 3, आज है 23rd सितंबर। कल का वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। करीब 4-3 डिग्री के आसपास था उस टाइम वेदर। काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, आज भी ठंड है बट आज वेदर काफ़ी अच्छा है, कल के बेहतर। और साथ में ग्लव्स पहना हुआ हूँ, जैकेट्स हैं, अंदर थर्मल्स वगैरह रख लिए हैं। और आज एक और लोकल साइट सीइंग के लिए और कुछ प्लेसेस जाने के लिए तैयार हूँ। सुबह के करीब 11:30 हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया अपन, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके निकलने में। अभी देखते हैं। ये है रेड स्क्वायर के पास ही है, जस्ट लगभग रेड स्क्वायर जस्ट मेरे सामने उस तरफ है। और ये है बोल्शोय थिएटर, इसमें काफ़ी सारा ओपेरा शोज़ वगैरह अच्छा कुछ होता है और सैटरडे संडे को अच्छा खासा यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। चलाने से क्या होता है? गुड लक है, एक मानने वाला बात है अपना। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, रशियन करता मैं भी कर लिया। अच्छा, ओके। ये एक कोई एनिमल का स्टैचू है छोटा सा, उसको कहते हैं कि सलाने से गुड लक होता है आपका, तो सब लोग ने सला लिया तो मैं भी थोड़ा सा सला लेता हूँ। यह है रशिया का सुविनियर स्टोर और ये सुविनियर स्टोर में काफ़ी सारा चीज़ें हैं खरीदने के लिए। वाकई में मैंने ऐसा सुविनियर स्टोर इसके पहले कभी नहीं देखा और इतनी खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, मन कर रहा था कि सारी चीज़ें उठा के अपने घर लेके आऊँ, बट क्या करें, सारे चीज़ खरीद पाना पॉसिबल नहीं है, पैसे भी लगते। अगर आपके पास पैसा हो और आपके पास पैसा थोड़ा भी हो तो आप कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करें, ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेड है। इस सुविनियर शॉप में और आपको रशिया में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फ्रिज मैग्नेट हो गया, और एक जो खास आप रशिया जाएंगे तो ज़रूर ये चीज़ आप ज़रूर खरीद के लाइएगा, मैंने भी लाया है, और वो है रशियन डॉल। जी हाँ, आपको रशियन डॉल इसमें दिखेगा, जो एक बड़ी सी पुतली सी आपको दिखेगी और उसके अंदर 3, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग डॉल्स होते हैं, तो छोटे से लेके बड़े आकार में बहुत सारे डॉल्स ऐसा आपको मिल जाएंगे। और उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, 200 रुबल, 150 रुबल, 300 रुबल, 400 रुबल आप आराम से परचेस कर सकते हो।
रशियन डॉल यहाँ की सबसे फेमस और पॉपुलर है, जो आप परचेस करके ला सकते हो। उसके साथ फ्रिज मैग्नेट भी है रशिया का, रेड स्क्वायर का। रशिया जाओ और कुछ खरीद के ना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने भी खरीदा है, बट मैं लास्ट में खरीदा था ये। जब मैंने देखा था तो मैं सोचा कुछ और शॉप्स देख लूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लूँ कि यहाँ पे रेट्स कैसे हैं, या फिर सारे शॉप्स के रेट अलग तो नहीं है कि सेम ही है। तो मैंने काफ़ी सारे शॉप में देखा, तो ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे बार्गेनिंग आप अच्छे से कर सकते हो। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का, किसी चीज़ का दाम अगर 400 रूबल है, फिर 300 रूबल है, तो आप 50 रूबल है, फिर 100 रूबल तक के भी आप बार्गेनिंग करके ले सकते हो। और हम इंडियंस तो बार्गेनिंग करने में माहिर तो है ही, है ना। जगह है, टिकट काउंटर है, ये ऐसे क्यूज बने हुए हैं और भी टिकट में लगे हुए हैं, मेरे भैया ही लगे हुए हैं टिकट काउंटर में। अलग अलग जो म्यूज़ियम के अंदर है उसका प्राइजेस है, कुछ 1000 रूबल है, कुछ 500 रूबल्स है, मतलब अलग अलग म्यूज़ियम का अलग अलग चार्जेस है। तो अगर आप म्यूज़ियम के अंदर आप नहीं जाना चाहोगे, और अगर आप क्रेमलिन के अंदर विजिट करना चाहोगे, तो आपको 700 रूबल देना होगा। एंट्री तो आपको करना ही है, तो आप 700 दे के एंट्री कर सकते हो। उसके अंदर दो तीन म्यूज़ियम है जो आप देख सकते हो, और बाकी जो पूरा क्रेमलिन का जो अंदर का जो जगह है, सर्कल में आप वो आप घूम सकते हो। ले लिया है क्रेमलिन अंदर जाने का एंट्री टिकट 700 डूबल, और अभी हम चलते हैं क्रेमलिन का एंट्रेंस की ओर, और देखते हैं क्या खास है इस क्रेमलिन के अंदर जाने के बाद। और एक और खास चीज़ है, अगर कोई आपको आपके साथ कोई बच्चा है जिसका उम्र 16 साल से कम उम्र का है, तो उसको फ्री एंट्री है जी। अगर आप 16 साल से कम उम्र है, चाहे वो गर्ल हो या फिर वो बॉय हो, तो उसके लिए वो फ्री एंट्री। अभी टिकट लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं एंट्री की ओर। अभी देखते हैं, लाइन तो लगाए हुआ है पे लोग, वाकई में क्या ये एंट्री करने की जगह है कि कुछ दूसरी ओर निकलते हैं। लग तो वही रहा है क्योंकि ये लोग इतने पीछे खड़े हुए हैं जहाँ से एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद ये जो पीछे का एरिया है वो अंदर एक गुफा की तरह आगे निकल जाता है। मे भी ये हो सकता है। Thank you.
और हम आ गए सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करने के बाद। बहुत कड़ा चेकिंग होता है। बैग आपको निकालना है, अगर आप जैकेट पहने हो ये मोटा वो भी निकाल के रखना है, कोई मेटल भी चीज़ है तो वो भी साइड में रख के आपको फिर आपको एंट्री करना है। गाइस अभी हम एंट्री कर चुके हैं क्रेमलिन के अंदर। क्रेमलिन का मतलब होता है किला, जैसे लाल किला हमारा दिल्ली में है उसी तरह से यहाँ पर भी एक किले की तरह कह सकते हैं। तो क्रेमलिन का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में किला। तो ये है त्रिस्किया टावर और हम इसी के थ्रू अभी एंटर कर रहे हैं क्रेमलिन के अंदर। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है द स्टेट ऑफ क्रेमलिन। इसके अंदर द ह्यूज एंड एक्सपेंसिव थिएटर एंड कॉन्सर्ट हॉल है। करीब इसके अंदर 600 लोगों की कैपेसिटी है इस हॉल के अंदर। नज़ारा काफ़ी शानदार है। ऐसे खाली जगह में ना हवा बहुत ज़्यादा चलती है और ठंड भी लगती है बहुत ज़्यादा। टूरिस्ट तो यहाँ पे भर भर के आते हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। Thank you.